आज फिर भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र कोटा के दौरे पर रहे, जहां पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कोटा बूंदी लोकसभा सीट का चुनावी फीडबैक लिया। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की जनसभा में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने शिरकत की और ग्राउंड लेवल पर चुनावी फीडबैक लिया। लोकसभा चुनाव के लिहाज से राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजस्थान में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की 19 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। सियासी बिसात बिछ चुकी है। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं और हर कोई सियासी जमीन भापने की कोशिश में जुटा है। भारत 24 के सीईओ एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कोटा में चुनावी फीडबैक लिया। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने सबसे पहले बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के शक्ति नगर स्थित आवास पर मुलाकात की और ओम बिरला को बुके भेंट किया। इस दौरान भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर भी मौजूद रही। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर सियासी समीकरण का जायजा लिया। वहीं ओम बिरला ने राजस्थान की सभी सीटों पर जीत का दावा किया और कहा कि राजस्थान की जनता इस बार भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद देगी। पूरे देश को मोदी जी से उम्मीद है और 400 सीटें पार है। कोटा मेरा परिवार है और बरसों से मैंने यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जो कुछ भी दिया है मुझे इस संसदीय क्षेत्र के लोगों ने प्यार से आशीर्वाद दिया है। एक छोटे से कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचाऊँ तो उनके आशीर्वाद से पहुँचाऊँ। नामांकन से पहले आयोजित जनसभा में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस रैली में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्वागत किया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। राजस्थान में जमीनी स्तर पर क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, इसको परखने के लिए डॉक्टर जगदीश चंद्र दौरे करते रहते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने हाड़ौती में नजदीक से सियासी हालातों का जायजा लिया। बहरहाल मतदान की तारीख नजदीक आते ही मरुधरा में सियासी तपिश भी बढ़ रही है। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे और 4 जून को किसके सिर पर ताज सजेगा, ये तो जनता ही तय करेगी।